ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमा सुनिंग डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 प्रमुख उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए माने जाते हैं। धन संपदा बीमारी के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है, इच्छा है, कर्ज मुक्ति है, पैसा नहीं टिकता है, इन सब समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करने हैं, जो भी आपकी समस्या से संबंधित हो। उपाय इस प्रकार हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है स्वास्तिक बनाने का उपाय, और ये है घर में सुख समृद्धि लाया जाता है। हल्दी किसी भी शुभ कार्य का प्रतीक होती है, सौभाग्य को लेके आती है, तो उसी प्रकार ये उपाय करने से घर आपका जो दुर्भाग्य होता है, आपके ग्रह गुरु ग्रह का दोष होता है, दुर्भाग्य है, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सौभाग्य लेकर के आता है, धन का आगमन बढ़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो धन संपदा के लिए आपको ये उपाय करना है। लेना होगा आपको एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको पेस्ट जैसा बना लेना है, और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है और लेकर के चले जाना है किसी भी केले के वृक्ष के पास में। अगर घर में कोई छोटा पौधा लगा है केले का, आसपास कहीं है, मंदिर में है, कहीं भी, मतलब आप जहाँ पर केले का पौधा आपको मिल जाता है वहाँ पर आप जाइएगा। जैसे आप पूजा अर्चना रोज करते हैं, मान लीजिए एकादशी के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, जैसे करना है वैसे आपको करना है, और गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो वो भी वही है, वो एक लोटा जल आपको चढ़ा देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए। उसके बाद आपको जो हल्दी का आपने चंदन जैसा बना लिया है, उसको आपको अनामिका उंगली जो होती है, छोटी उंगली के बगल की उंगली, उस उंगली पर हल्दी आपको लगानी है, और केले के वृक्ष पर मतलब तने पर कहीं भी आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का फिर 11 बार आपको जप करना है। इसके बाद एक आपने वहाँ स्वास्तिक बना देना है, फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है, दूसरा स्वास्तिक आपको वहाँ बनाना है जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है, लकड़ी का द्वार होता है, वहाँ पर आपको बनाना है एक स्वास्तिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्वास्तिक बना देना है। इससे क्या होता है, हल्दी आपके घर में सौभाग्य लेकर के आती है, तो आपका जो भी दुर्भाग्य है दूर होगा, आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होना शुरू हो जाती है। छोटा सा उपाय है, एकादशी या गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी है, अगर कोई काम बिगड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है, घर में धन संपदा का आगमन नहीं हो रहा है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है, सुख समृद्धि का वास हो घर में, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे, हमेशा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, हमेशा धन का आगमन होता रहता, स्थायी वास हो माता लक्ष्मी का, सौभाग्य हो, तो ये उपाय आपको करना है। क्योंकि इससे इस उपाय से क्या होता है, आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और साथ ही साथ आपका विष्णु भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसके लिए लेना होगा आपको एक लोटा जल ले लीजिएगा, तांबे के लोटे में या किसी भी लोटे में आपको एक लोटा जल ले लेना है, उसमें डाल लीजिएगा एक चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है, पिसी हुई हल्दी डाल लीजिएगा। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है गुड़, थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ का आप ले लीजिएगा, वो भी चाहे तांबे का लोटा है तो हाथ में गुड़ रखिएगा, क्योंकि तांबे के लोटे में गुड़ मीठा नहीं डालते हैं, तो हाथ में रखिएगा। अगर कोई और पात्र है तो आप सुई में गुड़ भी आपको डाल लेना है उसी पात्र में। अगली जो मुख्य चीज़ चाहिए हमको वो है चने की दाल, चाहे तो आप 7 चने की दाल ले सकते हैं, चाहे तो आप 11 चने की दाल ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चने की दाल जैसे कीड़े लग जाते हैं पता नहीं लगता है, तो कीड़े वीड़े ना लगे हों, साफ़ सुथरी दाल होनी चाहिए, चाहे 7 ले लें या 11। सारी चीज़ों को आपको उसी अपने तांबे के लोटे में डाल देना है, गुड़ भी डाल देना है, हल्दी भी और चने की दाल भी। केले के पेड़ के पास आपको जाना है और विधिवत आपको पूजा अर्चना जैसे आपको करनी होती है एकादशी या गुरुवार के दिन वैसे करनी है। उसके बाद वो पात्र से आपको जल चढ़ा देना है केले के वृक्ष में, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको 11 बार पूर्ण रूप से जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये आपको ये तरीका भी है। इसको आप दूसरे तरीके, 3 तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। ये पहला तरीका आपको बता दिया। अब बहुत से लोग के आसपास क्या होता है, केले का पेड़ नहीं मिल पाता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है कि केले का पेड़ नहीं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या होगा, ये जो सारी सामग्री आपने ली है, ये सारी सामग्री लेकर के आपको चले जाना होगा शिव मंदिर शिवलिंग के पास में। वहाँ पहुँच कर आपको अपने लोटे में गुड़ डाल लेना है, हल्दी डाल लेना है,
दोनों चीज़ें डाल लिया है आपने। सबसे पहले आपने जो 7 चने की दाल ली है वो एक एक करके आपको ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, जय बृहस्पतेश्वर महादेव या ओम बृहस्पतेश्वर महादेव कहते हुए एक एक चने की दाल आपको 7 बार चढ़ा देनी है। 11 दाल ली है तो 11 दाल आपको एक एक करके चढ़ा देनी है। उसके बाद जो एक लोटा जल लिया हुआ है आपने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या बृहस्पतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वो जल भी आपको, एक लोटा जल भी चढ़ा देना है। और जो भी कामना है, आपकी इच्छा है, वो कामना आपको व्यक्त कर देनी है। बहुत आसान सा उपाय है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह भी मजबूत होगा और एकादशी के दिन कर रहे हैं तब भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, कुंडली में स्थिति उसकी अच्छी होती है, साथ ही सौभाग्य बढ़ने लगता है ये उपाय करने से। तीसरा तरीका भी इस उपाय को करने का है। वो तरीका क्या है? यही सामग्री आपको चाहिए होगी। तीसरा तरीका, अगर केले का पेड़ भी है और शिवलिंग भी है आपके पास में, आसपास में कहीं, तब आप इसको आधा जल क्या करेंगे, केले के पेड़ पर आधा जल चढ़ा दे सकते हैं आप चने की दाल के साथ, और आधा जल जो है आपको शिवलिंग के पास आकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। केले के पास आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर बृहस्पतेश्वर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करना है, और आधा लोटा जल आपको लेकर के शिवलिंग के पास जो आएंगे वहाँ पर बृहस्पतेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वो जल चढ़ा देना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। 3 तरीके हैं इस उपाय को करने के। जो उपाय आपको आसान लगे वो उपाय आप करके देखिएगा उस तरीके से। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय मुख्यतः है मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए है, दुर्भाग्य दूर करने के लिए है, सारी चीज़ों के लिए ये उपाय है। मनोकामना भी अगर तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। इसके लिए लेना होगा आपको एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल ले लीजिएगा, साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा एक टुकड़ा गुड़ लेना होगा। तांबे का पात्र है तो गुड़ जो है आपको हाथ ही में लेकर के रखना है। साथ ही लेना होगा थोड़ा सा शहद, बहुत मतलब एक चम्मच से भी कम, आधा चम्मच से भी कम एक चुटकी भर शहद इतना सा चाहिए होगा। और साथ में आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र, बेलपत्र जो कि कहीं से कटी फटी ना हो, नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग के ऊपर अगर चढ़ी हुई है तो आप वो बेलपत्र भी यूज़ कर सकते हैं। सारा सामग्री लेकर के शिव मंदिर में आपको चले जाना है शिवलिंग के पास में। सुबह चाहे सुबह करें ये उपाय, शाम चाहे तो शाम करें। वहाँ पहुंचकर आपको सबसे पहले अपनी जो चीटी उंगली के बगल की उंगली होती है, जो अनामिका उंगली, उस उंगली पे आपको शहद लगाना है और उससे शिवलिंग के ऊपर आपको ओम का निर्माण करना है। ठीक है, ओम का निर्माण करिएगा उसी शहद से आपको और अनामिका उंगली से, और आपको साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना है। उसके बाद जब आपने ओम का निर्माण कर लिया, तब जब वो अपने बेलपत्र ले रखी है जो आपने ओम बनाया है, उसके ऊपर ही आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए वो बेलपत्र भी अर्पित कर देनी है, शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ा देना है। फिर ये जो आपके पास एक लोटा जल है, उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर ही आपको चढ़ा देना है, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल भी चढ़ा दीजिएगा, और एक टुकड़ा गुड़ जो आपने लिया है वो भी चढ़ा दीजिएगा। कोई और पात्र है अगर तो आप गुड़ जल के लोटे में डालकर भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उसके बाद जो भी इच्छा मनोकामना आपकी होती है, जो भी समस्या है, परेशानी, दुख है, दुर्भाग्य है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, वो आपको भोले बाबा से ये कामना व्यक्त करनी है, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि सभी उपाय धन संपदा से संबंधित है, धन वृद्धि से संबंधित है, दुर्भाग्य को दूर, सौभाग्य बढ़ाने वाले उपाय हैं। आपको जो उपाय लगता है आप आसानी से कर सकते हैं वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। चाहे तो किसी भी गुरुवार और किसी भी एकादशी, दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप सभी पर भोलेनाथ भगवान, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।